शाहपुर थाने की पुलिस ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आशीष पुरी पुत्र स्वर्गीय जवाहरलाल पुरी निवासी शताब्दीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर मूल पता भदेश्वरनाथ थाना शहर कोतवाली जनपद बस्ती के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि संदीप श्रीवास्तव थाना चिलवाताल जिला गोरखपुर को अभियुक्त आशीष पुरी उपरोक्त द्वारा डिफार्मा कराने के नाम पर पैसे लेना व छल करके डिफार्मा की वर्ष 2018-19 सत्र की फर्जी कूटरचित डिग्री असली बताकर देना तथा रुपया हड़प लेना व जान से मारने की धमकी देने पर शाहपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, पादरी बाजार चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल प्रवीण यादव, अखिलेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में विगत कई दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जालसाजी कार्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी प्रार्थना पत्र, चाहे वो विदेश भेजने को लेकर धोखाधड़ी हो, चाहे वो नौकरी दिलाने को लेकर के धोखाधड़ी हो, या फर्जी सर्टिफिकेट बना करके शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराने के लिए हो, तो इसी संदर्भ में थाना शाहपुर में एक आशीष पुरी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध 441/22 धारा 420 67-68-71 व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। ये फर्जी डिप्लोमा और फार्मेसी का फर्जी सर्टिफिकेट बना करके देता था। जब इस सर्टिफिकेट को जहां का बना करके दिखाया गया था, वहां से वेरीफाई कराया गया, तो ये फर्जी निकला। वादी की तहरीर पर इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस जालसाज को अरेस्ट किया गया है। इसके इस कृत्य में और भी लोग जो सम्मिलित हैं, उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में आया है कि कई सर्टिफिकेट ऐसे बना चुका है, अब जब इसका नाम प्रकाश में है, इसकी अरेस्टिंग हुई है, तो और भी वादी संपर्क कर रहे हैं। जो वादी इसमें संपर्क करेंगे, उनसे भी तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। ये अलग अलग उसमें FIR में इसको उसने कहा है, जहाँ जितना मौका लगता था उस हिसाब से ये सर्टिफिकेट के लिए पैसे लेता था। इस पर्टिकुलर मामले में 2 लाख रुपए की बात सामने आ रही है।